अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जानवरों को पालना बहुत लोगों को पसंद होता है या फिर कहें कि शौक होता है। ज्यादातर लोग कुत्ते या बिल्लियां पालते हैं। आप देखे होंगे कि लोग खेल खेल में इन जानवरों के मुंह में हाथ तक डाल देते हैं, लेकिन आज हम जो खबर आपको बताने वाले हैं उसके बाद आप कुत्ते या बिल्लियों से भी ऐसी हरकत या मजाक करने में भी सोचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता। कहा जाता है कि घर में पालतू जानवर रखने से पहले उसका टीकाकरण करवाना जरूरी होता है। आपको बता दें कि डेनमार्क के रहने वाले हेनरिक क्रेकबाउन पेटलर ने साल 2018 में एक बिल्ली और उसके बच्चे को गोद लिया था। वो उन्हें शिफ्ट करने के लिए अपने साथ ले जा रहे थे, तभी उनमें से एक बिल्ली ने उनकी उंगली पर काट लिया था। हेनरिक इसे मजाक में ही ले रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में उनका हाथ इतना ज्यादा सूज गया कि वो अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया और वे महीने भर तक उसी अस्पताल में भर्ती रहे। इस दौरान उनके 15 ऑपरेशन हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घटना के 4 महीने बाद भी उनकी उंगली ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उंगली का एक हिस्से को काटने का फैसला ले लिया। लेकिन उंगली को काटने के बाद भी हेनरिक को राहत नहीं मिली। उनकी मां का कहना है कि इस घटना से हेनरिक की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत खराब हो गया था और उन्हें निमोनिया, गठिया और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो गई थी। आखिरकार इस साल अक्टूबर में हेनरिक की मौत हो गई। दरअसल बिल्ली के काटने से वे मांस खाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए थे। हेनरिक की पत्नी के मुताबिक उनके पति की मौत तिल तिल कर हुई। ऐसी खबर सुनने के बाद किसी को भी बिल्ली के काटने की घटना हल्के में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई पालतू जानवर है और अगर किसी वजह से दांत लग जाता है तो इसे हल्के में ना ले, ये जानलेवा साबित हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।